प्रभु में मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु यीशु के पवित्र और मीठे नाम में आप सबको शालोम। मैं आशा करता हूँ कि परमेश्वर की दया से आप सब भले चंगे होंगे और परमेश्वर के वचनों के ज्ञान में बढ़ रहे होंगे। आज हम वैवाहिक जीवन में वार्तालाप या बातचीत के विषय पर परमेश्वर के वचनों से सीखेंगे। विवाह में रिश्तों को बनाने के लिए और मजबूत संबंध बनाने के लिए वार्तालाप महत्वपूर्ण और आवश्यक है। आपस में वार्तालाप हमें एक दूसरे की इच्छाओं को, विचारों को और भावनाओं को समझने में सहायता करते हैं। जब पति पत्नी एक दूसरे से बातचीत करते हैं और अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो उन्हें एक दूसरे के प्रति प्रेम और निकटता का एहसास होता है। हम हर किसी से सब कुछ साझा नहीं कर सकते हैं, केवल उन्हीं व्यक्ति से हम खुलकर बात करते हैं जो हमारे करीब के हैं। एक मजबूत परिवार बनाने के लिए हमें एक दूसरे से बातचीत करना बहुत ही आवश्यक है। आज कई सारे परिवार टूटने के कारणों में से एक कारण यह भी है, पति पत्नी के बीच में अच्छा संवाद न हो पाना। अक्सर पति या पत्नी एक दूसरे को बोलते रहते हैं कि आप तो मुझे कुछ बताते ही नहीं हो। जब आपका रिश्ता तय हुआ या हुआ था या नई नई शादी हुई थी तब आप अधिक समय अपने जीवन साथी से ही बात करने में बिताते थे, घंटों भर फोन पर बातचीत करते रहते थे, एक दूसरे की प्रशंसा करते थे, एक दूसरे की हर एक हरकत आपको अच्छी लगती थी। लेकिन शादी के 2 या 3 साल बाद अब वो पहले का प्यार मानो ठंडा सा हो गया है। अब आप अपने काम में, परिवार की जिम्मेदारियों में, बच्चों को संभालने में इत्यादि कामों में इतने व्यस्त हो गए हैं कि अब आपको अपने जीवन साथी के साथ बातचीत करने के लिए समय नहीं है। आपके वैवाहिक जीवन से परेशान है, सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अपने जीवन साथी के साथ में एक ही घर में रहने के बावजूद आप अकेलेपन का अनुभव कर रहे हो। आपको शायद ऐसा लग रहा है कि आपका जीवन साथी आपको समझ नहीं रहा है, आपको प्यार नहीं करता है, उसको आपके जीवन में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो आप केवल अकेले व्यक्ति नहीं हो जो इस प्रकार की समस्याओं का सामना कर रहे हो, लेकिन हम परमेश्वर के वचन में से इसका उपाय ढूंढेंगे। सो सबसे पहले हमारा वार्तालाप कैसा होना चाहिए, किस प्रकार का वार्तालाप हमारे विवाह जीवनों को और मजबूत बना सकता है, इन बातों को हम सीखने का प्रयास करेंगे। उत्तम वार्तालाप अच्छे विवाह के निर्माण की कुंजी है। सबसे पहले एक दूसरे की सराहना करें। हर एक व्यक्ति खुद के बारे में अच्छा सुनना पसंद करता है। नीति वचनों 12:25 में लिखा है, उदास मन दब जाता है परंतु भली बात से वह आनंदित होता है। इस वाक्य पर ध्यान दीजिए, भली बात से वह आनंदित होता है। आप अपने जीवन साथी से भली बात करें, स्पीक गुड वर्ड्स, प्रशंसा के शब्द बोले जिससे उनका जीवन आनंदित रहे। पति पत्नी एक दूसरे के दोस्त है, दुश्मन नहीं। उन्हें एक दूसरे की गलतियों को ढूंढने की बजाय एक दूसरे की अच्छी बातों की सराहना करनी चाहिए, ठीक वैसे ही जैसा विवाह के आरंभ में आप करते थे। नीति वचन 15:4 में लिखा है, शांति देने वाली बात जीवन वृक्ष है परंतु उलट फेर की बात से आत्मा दुखित हो जाता है। कृपया इस वचन को समझे। आपकी बातों से आपका जीवन साथी का आत्मा दुखित न होने पाए, आपको शांति देने वाली, प्रोत्साहित करने वाली बातों को बोलना सीखना है। यदि आपकी प्रशंसा से, सराहना के शब्दों से आपका जीवन साथी आनंदित रहता है तो हमें इसे जरूर करना चाहिए। केवल आपके मुंह से निकला एक एक शब्द
आपके जीवन साथी के पूरे दिन को आनंद में या निराशा में बदल सकता है। तो हमेशा अपने जीवन साथी की सराहना करें, उसे प्रोत्साहित करें, उसे उत्तेजना दें। दूसरी बात, अपने दिन भर के अनुभव को एक दूसरे के साथ साझा करें, एक दूसरे के साथ बातचीत करने के लिए, एक मजबूत और भरोसेमंद रिश्ते को बनाने के लिए पति पत्नी को एक दूसरे को जानना बहुत ही आवश्यक है। पति पत्नी एक दूसरे को तब जान पाएंगे जब वह अपने अनुभवों को और भावनाओं को एक दूसरे से साझा करेंगे। दिन भर आप अपने काम में व्यस्त रहते हैं, लेकिन रात को आप समय निकालकर बैठे एक दूसरे से बात करें और अपने दिन भर के अनुभव को एक दूसरे के साथ साझा करें। इससे आप अपने जीवन में क्या अनुभव कर रहे हो, आपकी क्या योजनाएं हैं, आपकी जीवन की क्या समस्याएं हैं, या आप कैसी समस्याओं का सामना कर रहे हो, और आपका साथी आपको कैसे सहयोग कर सकता है, अपनी भविष्य की योजनाओं को वगैरह साझा करें। अक्सर पति पत्नी अपने जीवन के अनुभवों को, परेशानियों को एक दूसरे के साथ साझा नहीं करते। वो सोचते हैं कि यह मेरी परेशानी है, मैं ही इसे सॉल्व करूंगा। वचन कहता है परमेश्वर ने स्त्री को आदम के लिए सहायकारी के रूप में बनाया है। पहला पत्रस 3:7 में लिखा है पति पत्नी दोनों जीवन के वरदान के वारिस है। अर्थात यदि हम एक दूसरे के लिए बनाए गए हैं, तो हमारे जीवन के अनुभवों को, हमारे जीवन की समस्याओं को, हमारे योजनाओं को भी हमें एक दूसरे के साथ साझा करना चाहिए, ताकि हम एक दूसरे का सहयोग कर सके, एक दूसरे को मदद रूप हो सके और एक दूसरे को आगे बढ़ने में सहायता कर सके। तीसरी बात जो हमें करना है अच्छे से वार्तालाप को बढ़ाने के लिए, चुपचाप रहना, यह भी एक प्रकार का वार्तालाप है मेरे प्रियो। ना बोलने पर भी हम बहुत कुछ कह सकते हैं। नीति वचन उसका 11:12 में लिखा है जो अपने पड़ोसी को तुच्छ जानता है वह निर्बुद्धि है, परंतु समझदार पुरुष चुपचाप रहता है। इस वचन के दूसरे भाग में लिखा है समझदार पुरुष, आप स्त्री भी ले सकते हैं, समझदार पुरुष या समझदार स्त्री चुपचाप रहता है या रहती है। हाँ मेरे प्रियो, जीवन में कई बार ऐसा भी होता है कि हमें उन परिस्थितियों में चुपचाप रहना, या तो उस समय उत्तर न देना ही हमारे लिए, हमारे वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा है। याकूब की पत्री 1:19 में भी लिखा है कि हरेक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीरा और क्रोध में धीमा हो। परमेश्वर चाहता है, उसके वचन में हमें सिखाया गया है कि हम सुनने के लिए तत्पर हो, लेकिन बोलने में हम धीरे हो। कई बार हम बोलने में गड़बड़ी कर देते हैं और जो चीज़ हमको नहीं बोलनी चाहिए, या तो जो चीज़ बोलने से किसी की भी उन्नति नहीं हो सकती, वैसी ही बातों को हम बोलेंगे और हमारे परिवार में वही बातों की वजह से लड़ाई या झगड़ा हो सकता है। इसीलिए शायद वो छोटी छोटी बात होगी, लेकिन उन बातों पर भी हमें ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए कई बार यदि पति ज़्यादा कुछ बोल रहा है तो पत्नी को उस समय चुपचाप रहने की आवश्यकता है। यदि पत्नी नाराज है, वो कुछ बोल रही है, तो उस समय पति को चुपचाप रहने की आवश्यकता है। साइलेंस इज वेरी मच नीडेड। शांत रहना, चुपचाप रहना बहुत ही आवश्यक है। यदि एक बातों में पति पत्नी आमने सामने आ जाएंगे तो परिवार ठीक नहीं पाएगा, वैसा परिवार स्थिर नहीं रह पाएगा। इसके लिए चुपचाप रहना यह भी एक प्रकार का वार्तालाप है और इसे हमें डेवलप करना चाहिए। तो तीन चीजों को मैंने आपको बताया है। सबसे पहले एक दूसरे की सराहना करें, दूसरा बात अपने दिन भर के अनुभवों को एक दूसरे के साथ साझा करें, और तीसरी बात चुपचाप रहना भी सीखे। तो प्रभु ये बातों को सीखने के लिए, समझने के लिए और एक हेल्थी फैमिली को रन करने के लिए परमेश्वर आपको अनुग्रह दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।